उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। वीकेंड पर सिरमौर जिला में 2 दिन का फुल लॉकडाउन लग सकता है। जिला में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रशासन फुल लॉकडाउन पर विचार कर रहा है। ये बात डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने नाहन में आज मीडिया से रूबरू होते हुए कही। डीसी ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रतिदिन करीब 200 कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 1602 तक पहुंच गई है, जो चिंतनीय विषय है। डीसी ने कहा कि कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 2 दिन फुल लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए सभी एसडीएम व व्यापारिक संगठन के साथ भी बातचीत की जा रही है। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए इन 2 दिनों के दौरान भोजन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। डीसी ने कहा कि जिला सिरमौर में नाहन, पौंटा साहिब व सराहा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। जो पिछले बार भी 1 बजे तक दुकानों खोलने का समय दिया गया था, उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं सभी हमारे एसडीएम साहिबान से, व्यापार मंडल से, कि जो हमारे डेली लोग कमाते हैं, डेली होकर्स हैं, उनकी हम खाने की व्यवस्था कर पाएँ और 2 दिन का हम पूर्ण लॉकडाउन का सोच सकते हैं। ऐसा जिला प्रशासन अभी विचार कर रहा है, कल शाम तक दोपहर तक इसमें फैसले ले करना क्या। और मैं 1602 एक्टिव केसेज हैं, पिछले कुछ दिनों से इसमें जो डेली जो वृद्धि है 200+ की होती जा रही है, हालांकि रिकवर भी हो रहे हैं उसमें 100+ के आसपास। तब भी इसमें जो हमारे पौंटा साहिब है, नाहन है और पछाद है, ये 3 ब्लॉक हैं जहाँ पे कोरोना संक्रमण का ज़्यादा प्रभाव है। इसमें जो वायरस का म्यूटेंट है, एक कारण ये भी है कि उसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ी है। दूसरा कारण ये भी है कि जो इंडिविजुअल स्तर पे जो हमने कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना था, कहीं ना कहीं उसमें भी चूक है। अभी भी लोग ऐसे पाए जाते हैं कि बाजार में बिना मतलब के घूमते रहते हैं या बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। मास्क गलत तरीके से लगाया होता है, होता सबकी जेब में है, किसी ने जो प्रॉपर एक चिन्ह से लेकर अपना नोज तक लगाना होता है, वैसे उसकी तरह नहीं लगाया होता। तीसरा, जो हैंड हाइजीन जो पहले स्टार्टिंग में चला था, उसमें कहीं ना कहीं चूक है। चौथा ये कि जो हमारे सोशल फंक्शन जैसे मैरिज वगैरह हो रही हैं, उसमें हालांकि 50 की अनुमति है, उसमें भी लोगों का संख्या से ज़्यादा जाना या रोटेशन में चले जाना, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित केसेस में वृद्धि हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।